हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल 11 जनवरी था, प्रीति चले गई थी और तो बहुत डिफ़िकल्ट था उनको बाय बोलना। बहुत रोका मैंने उनको, मत जाओ, बट क्या है, जॉब है, उनको जाना पड़ेगा। और कल चले गई थी वो 4 बजे ही, और रात में 10 बजे दिल्ली पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। उसके बाद चेक इन वगैरह किया उन्होंने, सिक्योरिटी चेक वगैरह था, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में उनकी फ़्लाइट थी रात के 3:30 बजे की। सुबह की बोल रहे, रात की बोलो, 3:30 बजे की थी। तो फ़िलहाल अभी वो फ़्लाइट में ही हैं। आज 12 जनवरी है, मैं 11 जनवरी को तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग कर नहीं पाई थी, बिल्कुल मन नहीं था करने का, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो वेट करेंगे अभी 6-7 महीने का उनके आने का वापस, और देखते हैं अभी शायद 1 या 2 बजे 12 जनवरी को वो लंदन पहुंच जाएंगी, और उसके बाद उनसे बात करूंगी मैं। और उसकी उनकी फिर नेक्स्ट फ्लाइट है मियामी के लिए, वो कुछ गैप के बाद में ही है, कुछ आवर्स के बाद में ही है, तो चले जाएंगी। और मैं अभी टेरेस पे आई हूँ थोड़ा धूप लेने के लिए, और उसके बाद रेडी होंगी, ऑफिस निकलूँगी। चाय वगैरह मैंने पी ली थी टेरेस पे ला करके ही। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं निकल गई हूँ अभी, जैसा कि मैंने आपके पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरी दिल्ली से फ़्लाइट होगी, सो मैं जयपुर से दिल्ली के लिए निकल गई हूँ। दिल्ली टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट रहेगी। फ़्लाइट मेरी मॉर्निंग के 3:30 के अराउंड में है, तो पहली फ़्लाइट मेरी दिल्ली टू लंदन रहेगी, और फिर नेक्स्ट डे मेरी लंदन से मियामी की रहेगी। तो अभी मैं निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ। सो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार मैं ऑनबोर्ड जाऊंगी तो फिर डेली ब्लॉग्स मिलेंगे, बिकॉज उससे पहले हम अपनी पैकिंग में प्लस शॉपिंग और जो भी मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह थी उन सारी चीज़ों में मैं बिज़ी थी। बट अभी फ्री हो गई हूँ, फ्री इन द सेंस कि अभी मैं जॉब पे जा रही हूँ, तो यस हमारे पास कंटेंट रहेगा तो हम डेली की ब्लॉगिंग्स करेंगे। अभी हम मेन हाईवे पर ही हैं दिल्ली के लिए, ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर अभी और होगा। रास्ते में कोई एक ओल्ड राव होटल है, यहाँ पे हम अभी रुके हैं, कुछ खाएंगे या चाय वाय पियेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट होने वाला है, शाम को ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो ये हाईवे पर ही एक होटल है, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, तो बस वहीं पर अभी हम रुक गए हैं, चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। आइए आपको एक लुक दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए शॉप भी दी हुई है, बहुत सारे शॉप है एक्चुअली, वैन ह्यूसेन का है, एडिडास है, सारे ब्रांड के शॉप यहाँ पे एक्चुअली। ये एक छोटा सा मॉल की तरह बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। आइए आपको आगे घुमा लेके चलते हैं। ये देखिए, ये खाने पीने का पूरा एरिया इधर बना रखा है इन्होंने, और इधर ये प्रॉपर एक मॉल बना हुआ है, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, सारे ब्रांड के शू शॉप, ली कुकर, जॉन प्लेयर्स, दिस इज नाइस। और ये वो जगह है जहां हम अभी चाय पीने आए हैं। मैंने दिखाया था आप लोगों को बाहर से कितनी अच्छी जगह है ये। ये देखिए, छोटे छोटे स्टॉल जैसे लगे हुए हैं खाने के, साउथ इंडियन, ये बेस्किन रॉबिन का है, इधर साउथ इंडियन है, सामने समोसे स्नैक्स के हैं, इधर कोई तो रेस्टोरेंट है, और ये रही मेरी चाय। सो ये मेरी लास्ट कुल्हड़ वाली चाय है, अब इसके बाद मेरे को 7 महीने के बाद ही चाय मिलने वाली है। चाय हमने पी ली है, चाय बहुत ही अच्छी थी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि चाय का जो प्राइस था ना वो बहुत ही रिजनेबल था,
चाय की क्वांटिटी अच्छी थी। कुल्हड़ वाली चाय अगर आपको 30 रुपीज में कहीं पे ऐसी मिलती है सो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। चाय बहुत ही अच्छी थी, हमने चाय पी ली है। मैं भैया का वेट कर रही हूँ, ड्राइवर भैया का, वो जैसे ही आएंगे अब हम यहाँ से निकलेंगे। मैं एयरपोर्ट आ गई थी, 10 बजे तक मैं एयरपोर्ट आ गई थी। देन मुझे चेक इन वगैरह कराना था, तो फिर मैंने सोचा फिर एक बार में मैं सारा सब काम फिनिश कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चेक इन हो चुका है, बैगेज ड्रॉप हो चुके हैं, इमिग्रेशन भी हो गया है मेरा, प्लस सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। अभी मैं घूम रही हूँ, बस ये फ्लाइट्स लगी हुई हैं। मेरा जो बोर्डिंग होगा मेरा अराउंड 2 o'clock। सो अभी मैं बस ढूंढ रही हूँ कहीं पे कुछ जगह मिल जाए जहाँ मैं बैठूँ और थोड़ा रेस्ट करूँ, बिकॉज तब से ट्रैवल कर रही थी। दिल्ली स्ट्रीट सबवे मैकबी केएफसी ऑल एवरीथिंग इज हियर एंड हियर इज मी। लेट्स सी क्या खाते हैं। दिस इज दिल्ली ड्यूटी फ्री शॉप्स।